देखिए बेटा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, या आपने अभी अभी पढ़ी है एक्सटेंडेड फॉर्म, किसी भी सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। इसके लिए भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए नहीं थी, उसी से निकल के आई है, क्योंकि आपको समझ आ रही है चीज। ठीक है, तो इसमें अगर बोल रहा हूँ मैं कि अगर सिस्टम का एक्सटर्नल वर्क नहीं है, कोई जीरो है, कोई नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स का वर्क जीरो नहीं है, तो आप बोल सकते हैं कि ई इनिशियल इक्वल्स टू ई फाइनल हो जाएगी। आप बोल सकते हैं कि ई इनिशियल इक्वल्स टू ई फाइनल हो जाएगी अगर सिस्टम का एक्सटर्नल वर्क नहीं है। अगर उस पर नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स फ्रिक्शन विक्शन नहीं है, तो सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है बेटा, कंजर्व रहती है। इसी को क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोला जाता है, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्या बोल रहा हूँ कि अगर डब्ल्यू एक्सटर्नल आपका और डब्ल्यू नॉन कंजर्वेटिव, या तो फ्रिक्शन है ही नहीं, ठीक है ना, या और कोई भी इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स वर्क नहीं कर रहा, तो आपका इनका वर्क क्या आ रहा है, अगर जीरो आ रहा है, तो आप इससे बोल सकते हैं ई इनिशियल इक्वल्स टू ई फाइनल। तो क्या बोलेंगे, हेंस इफ एक्सटर्नल वर्क या एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई वर्क नहीं है अगर है भी तो, ठीक है ना, इफ एक्सटर्नल वर्क एंड नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल वर्क, नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल वर्क ऑन ए सिस्टम इज जीरो, ऑन ए सिस्टम इज जीरो, तो वर्क जीरो मतलब होना ही नहीं चाहिए, नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल फ्रिक्शन होना ही नहीं चाहिए, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स है तो उसका वर्क नहीं है, ठीक है, इंटरनल वर्क ऑन द सिस्टम इज जीरो, देन टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम विल बी कंजर्व। ठीक है, देन टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम विल बी कंजर्व। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो रही है आपको बेटा। एक एग्जाम्पल बहुत छोटा सा, मान लो स्मूथ सरफेस पर कोई ब्लॉक फेंक दिया आपने एम मास का वी नॉट स्पीड से, फ्रिक्शन है नहीं, तो क्या होगा, एम जी और नॉर्मल रिएक्शन दोनों वर्क लग फोर्स लग रहे हैं, बट उनका वर्क डन जीरो है, क्योंकि हॉरिजेंटल सरफेस पे चल रहा है। समझ रहे हैं इस चीज को, इस एम को आपने वी नॉट से फेंक दिया, लेकिन आपका इस पर एक्सटर्नल वर्क नहीं है, फ्रिक्शन अगर नहीं है, और नॉर्मल रिएक्शन और एम जी के वर्क डन जीरो है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जिंदगी भर ही क्या चलेगा, वी नॉट से ही चलता रहेगा हमेशा। ये डायनेमिक से भी क्लियर होता है, हमें कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, ठीक है, तो एनर्जी से भी अब क्लियर हो रहा है कि नहीं, सही में इसकी वी नॉट काइनेटिक एनर्जी इसकी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स नहीं है, तो यही प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है बेटा। जो आपने सिस्टम लिया है उसमें एक्सटर्नल वर्क नहीं होने पर और कोई फ्रिक्शन ऐसा चीजें नहीं होने पर, उसकी मैकेनिकल एनर्जी कहीं नहीं जाती है, तो हम उसके एग्जाम्पल से शुरू कर रहे हैं, जो एक्सटेंडेड फॉर्म है उसको अप्लाई करना शुरू करेंगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल से। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ तो मुझे जरूर बताए।